من قبلكم ومن الذين أشركوا أدا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم جزاك الله خير As we all know today we have gathered here for the condolences of Janab Dr P Ibrahim Haji Dr P Ibrahim Haji he was a co-chairman of Malabar group and chairman Pace education group renowned dubai based indian businessman philanthropist and leader of several educational institutions in the UAE and India answered the final call of allah almighty on tuesday december 21 with deep sorrow let's pray for him and may his soul rest in peace. May Allah Almighty grant him the highest place in Jannah. May Allah forgive him, bless, and bless with him all the success of Akhirah. <laughs> Dr. Halima Sadia, she's an exceptional leader who came from religious madrasa education and completed her master's in English as well as in Islamic studies. She had worked under Dr. B. Ibrahim Haji also. प्लीज डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया मारिया थैंक यू वेरी मच एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकिब साहब आपने जिस आयत करीमा से यहाँ पे आगाज किया है वो आयत करीमा हम सबको बताती है कि आज उनकी बारी है तो कल हमारी बारी है और हर नफ्स को मौत का मजा चखना है खुतिनो हजरा असलामकुम वरम वरक मैं यहाँ पे आप सबके सामने बहुत ही फखर के साथ ये अर्ज करना चाहती हूँ कि जनाब पी इब्राहिम हाजी साहब सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि अपने में एक शख्सियत एक इदारा थे वो एक फर्द वाहिद नहीं थे उनको फर्द वाहिद कहना उनके शान के मनाफी होगा जहां तक मेरी मालूम है और जहां तक हमने उनको बहुत करीब से देखा है और उनके साथ हमने उनके दारों में काम किया है तो मैं उनको जितना समझ पाई हूं उसकी रोशनी में मैं सिर्फ ये इतना इतना कहना चाहती हूं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा तो उन जैसी शख्सियात का पैदा होना कोई मामूली बात नहीं है क्योंकि एक फर्द वाहिद किस तरह से इतने इदारों का फाउंडर हो सकता है किस तरह से वो एक तरफ एक बहुत ही फाल शख्स है तो दूसरी तरफ एक बहुत ही फाल मुदबिर है एक तरफ वो इंतहाई ईमानदार शरीफ इंसान है तो दूसरी तरफ बहुत ही मुशफिक वालिद है एक तरफ हम देखते हैं कि उसका अजम उसे बिजनेस के मैदान में एक बिजनेस एक बिजनेस की ऊंचाई पर ले जाता है और दूसरी तरफ तालीम के मैदान में तालीम की बुलंदियों को छुपाता है ये बातें साफ जाहिर करती हैं कि ये किसी फर्द से उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक उसके अंदर बे इंतहा शिद्दत से किसी चीज को पाने की किसी चीज को हासिल करने की और दुनिया को कुछ दे के जाने की ख्वाहिश ना हो जनाब पी इब्राहिम साहब की शख्सियत भी एक ऐसी शख्सियत थी कि वो जो ठान लेते उसे कर गुजरते और उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद ही खिदमत खलक को बना लिया था मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसो तब खाक के पर्दे से इंसान उभरते हैं तो उन जैसी शख्सियात सदियों में कहीं पैदा होती हैं मैं आज उनके जो कारनामे हैं जो, जो उनके बिजनेस के मैदान में कारनामे हैं या तालीम के मैदान में कारनामे हैं उनको ज्यादा हाईलाइट ना करते हुए मैं ये कोशिश करूंगी कि उनकी जो शख्स जातियात से मुतालिक जो सिफात हैं जो उनकी क्वालिटीज हैं जिनसे जिन्होंने न सिर्फ मुझे बल्कि मुझ जैसे ना जाने कितनों को मुतासर किया है मैं आई वुड लाइक टू हाईलाइट लाइट क्वालिटीज सबसे पहली चीज जो मैं हाजी साहब के अंदर पाती थी वो ये है कि उनका नेक होना ही वॉज अ थॉरो जेंटलमैन यानी जहाँ पे आप शराफत की नेकी की डेफिनेशन मालूम करेंगे तो आप पाएंगे के जनाब पी इब्राहिम साहब उस डेफिनेशन पे पूरा उतरते थे <coughs> कभी उनको टेंपर लूज करते हुए कभी गुस्सा करते हुए कभी चिड़चिड़ाते हुए कभी हंगामा मचाते हुए ऐसा कभी भी उन्हें नहीं देखा गया ही वॉज ऑलवेज वेरी पॉजिटिव वेरी पोलाइट वेरी काइंड पीपल हजारों लोग उनके तहत काम कर रहे थे लेकिन कभी भी आपने किसी के साथ भी उन्हें बहुत ही अः तुरशी के साथ तलखी के साथ रुखाई के साथ बर्ताव करते हुए या बातचीत करते हुए नहीं देखा आपका सबके साथ ताल्लुक ऐसा था जैसे आप उसके बहुत ज्यादा करीब हों हर इंसान ये सोचता था कि चेयरमैन साहब मुझसे बहुत ज्यादा करीब है क्योंकि वो हर एक के बारे में उनके जातियात के बारे में उनके जाति प्रॉब्लम्स के बारे में न सिर्फ जाना करते थे बल्कि उन्हें वो सॉल्व करने की कोशिश करते थे वो हर एक के लिए एक उनके लिए हर एक के लिए उनके, लिए उनके पास एक सुझाव था एक तजवीज थी एक नसीहत थी वो नसीहत जो जिन्होंने नया ने कितनों की जिंदगियाँ बदल दी हैं वो बहुत ज्यादा पाकबाज इंसान और अल्लाह से बहुत करीब थे जिसकी बिना पे अगर हम उन्हें वली सिफत कहें, तो भेजा नहीं होगा जैसा कि उनके बहुत ही करीबी उनके फैमिली के अफराद ने हमें बताया उनके करीबी घर गर के लोगों ने उन्हें हमें बताया कि उनका ये मामूल था कि वो तहजद की नमाज के वक्त उठते तहजद की नमाज अदा करते उसके बाद से वो जिक्र असकार में मसरूफ हो जाते थे यहाँ तक कि वो फज्र की नमाज़ पढ़ते और फज्र की नमाज़ के बाद भी जिक्र अजकार में मसरूफ़ हो जाते और फिर वो जो मॉर्निंग का जो एक वक्त होता है जिस वक्त हम सबसे ज़्यादा फ्रेश होते हैं सबसे ज़्यादा हमारे ताज़गी होती है उन तमाम अवकात को वो अल्लाह के लिए सर्व करते थे अल्लाह से लो लगाने के लिए सर्व करते थे और उसके बाद फिर वो सेवन फोर्टी फाइव पे आ, शावर लेने के बाद फ़्रेश होने के बाद फिर वो अपने रूम से बाहर आते और आठ बजे ब्रेकफास्ट करते और उसके बाद फिर दुनियावी कामों में लग जाते ये एक ऐसी मिसाल है जो इंसान को ये साबित करने के लिए मजबूर करती है कि एक एक इंसान हर दिन उसका यह मामूल है कोई एक ऐसी बात नहीं कि एक दिन कभी जोश में आकर के हमने ये सुबह सुबह उसद की नमाज पढ़ ली अल्लाह से लो लगाया नहीं वो हर दिन का उनका मामूल था जो यकीन ये साबित करता है कि वो एक बहुत ही फरिश्ता सिफत वली सिफत इंसान थे इसके अलावा उनकी अगर मैं जाति औसाफ की बात करूं तो उनके तमाम औसाफ उनकी औलाद में झलकती है जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की एक इतने मालदार इंसान होने के बावजूद एक करोड़पति वालिद होने के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत इस तरह की कि उनके बच्चे हमें ये बताते हैं कि वो उनको पॉकेट मनी भी बहुत नाप तोल के जब वो कॉलेज में जाने लगे तब वो उन्हें दिया करते थे क्योंकि उनका यही मानना था कि अगर हम बहुत ज्यादा बच्चों को रुपये पैसे की आदत डलवा देते हैं बचपन से बच्चों के हाथ में पैसे डाल देते हैं तो बच्चे फिर पैसों की अहमियत नहीं समझते हैं उन्हें लगता है बहुत ही इजी मनी है बहुत आसानी के साथ ये पैसे उनके पास आ गए हैं तो वो अपने बच्चों को इस तरह से तरबियत करते थे कभी उनके बच्चों को हमने उनके सामने ऊंची आवाज में बात करते हुए या उनसे आगे चलते हुए या उनसे जोर से बात करते हुए नहीं देखा हमेशा वो अपने वालिद मोहतरम का इतना एहतराम करते थे कि आंखें देख करके बिल्कुल अश अश करने लगती थी कि अल्लाह ताला हर वालिद को यह तोफीक दे कि उनकी औलाद इतनी ही नेक और साले निकले अल्लाह ताला उनकी औलाद को भी बरकतों से नवाजे दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से नवाजे में हम सबकी दुआएं उनके साथ हैं हाजी इब्राहिम साहब की एक और खूबी जो आ, यकीनन उनको एक अलग मकाम पे ले जाती है एक अलग मर्तबे पे उनको फायज करती है वो उनकी खूबी थी उनका सदक़ा व खैरा करना वो सदकों व खैरा करने में इतने ज्यादा अः मतलब मगन होते थे जैसे कि दोनों हाथों से वो अल्लाह की राह में गरीबों की बेवाओं की मजबूरों की जरूरतमंदों की वो मद, मदद किया करते थे और बेशुमार मदद किया करते थे चाहे वो रमज़ान का महीना हो या रमज़ान के बाद का महीना हो या कोई भी महीना हो सालों भर उनका ये अमल जारी रहता था अल्लाह तला ने उन्हें काफी मालो दौलत से नवाजा लेकिन उन्होंने कभी मालो दौलत को अपनी मिल्कियत ना समझ के उन्होंने उसे अल्लाह की अमानत समझा और उन्हें अल्लाह के बंदों के ऊपर खर्च किया अल्लाह के बंदों को उन्होंने बहुत दिल खोल के दिया यही वजह थी कि अल्लाह ने उन्हें और नवाजा फिर उन्होंने अल्लाह की राह में और दिया तो अल्लाह ने उन्हें और नवाजा क्योंकि जितना हम अल्लाह की राह में सर्फ करते हैं जितना हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं अल्लाह बंदों को उतना ही और नवाजता है ये अल्लाह का अपने बंदों के लिए वादा है और इस वादे को अल्लाह ताला जरूर पूरा करता है मैं तकरीबन सात साल तक मैंने उनके दारों में काम किया और उन्हें मैंने बहुत करीब से देखा और उनकी जो एक पॉजिटिव सोच थी एक मुस्बत सोच कि वो हमेशा इतने हालांकि कभी कभी बहुत ही सख्त हालात भी हुए कभी आ, ऐसा दौर भी आया कि जब बिजनेस को नुकसान भी उठाना पड़ा कभी ऐसा दौर भी आया कि जब जाती तौर पे उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा लेकिन कभी भी उनके माथे पे शिकन नहीं देखा गया वो हर हालात में हमेशा बहुत मुस्बत सोच के साथ अल्लाह पे यकीन कामिल रखते थे इकबाल ने जिस मर्द मोमिन का तस्वर पेश किया है अगर हम कहें कि वो उस मर्द मोमिन के डेफिनेशन पे उस मर्द मोमिन की जो तारीफ बताई गई है उस पर वो पूरे उतरते थे तो मैं अपनी बात में मुबालगे से काम नहीं ले रही हूँ मुझे याद है 2012 की बात है जब पहली बार मैं उनसे मिली थी पहली बार मुझे मेरे मुझे ये खबर मिली थी कि वो निज़ामुद्दीन में तशरीफ ला रहे हैं निज़ामुद्दीन के एक होटल में उनका क्याम होगा और वहाँ वो इंटरव्यू लेंगे ताकि वो हमें अपने स्कूल के लिए सिलेक्ट कर सकें अब आप सोच सकते हैं जब हमें ये मालूम है कि एक चेयरमैन साहब आ रहे हैं जिनके कई स्कूल्स हैं जो बहुत अमीर कबीर हैं, जिनके पास जो मालाबार गोल्ड के भी चेयरमैन हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे जहन में भी एक उनका तस्वुर था एक नक्शा था एक खाका था कि हम जाएंगे तो हम किस तरह की शख्सियत से मिलेंगे एक इमेज बन जाती है लेकिन यकीन जानिए जब मैं गई उनसे मिलने के लिए तो उनकी सादगी से मैं इतना ज्यादा मुतासर हुई एक ऐसे होटल में ठहरे हुए थे जो बहुत ही जिसे हम बहुत ही आम, आम होटल ही कह सकते हैं मामूली होटल ही कह सकते हैं निजामुद्दीन के अंदर और खुद उनका अपना जो रहन सहन था जो उनकी रिहाइश थी और जो उनके बातचीत करने का तरीका था जो उनके इंटरेक्ट करने का तरीका था कहीं से भी ये नहीं झलकता था कि वो आ, उनके अंदर जर्र बराबर भी कहीं से भी आ, गुरूर की या तकबर की या बड़े होने की कोई निशानी उनके अंदर पाई जाती हो सो एट दैट मोमेंट ओनली आई वॉज ग्रेटली इम्प्रेस आई वॉज सो इम्प्रेस आई थॉट दैट अ पर्सन हु हु हैज इज ऑफ such a stature like a person who is the chairman of so many schools colleges who has established even the university and the person who is the co-chairman of uh, Malabar Gold and I am interacting with that person or वो आदमी इतनी साधकी के साथ मेरे साथ यहाँ पे interact कर रहा है मुझसे बातें कर रहा है और मुझे मुझसे सवालात कर रहे हैं इतने Uh, इतने ऐसे ऐसे माहौल में जैसे हम कह सकेंगे खुशगवार माहौल में कि कहीं से भी ये नहीं लगा कि वो हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं और जब मैं यहाँ बाद पहुंची करीब से काम किया तो यकीन जानिए कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया उनसे सीखती थी माई एवरी डे वॉज अ लर्निंग पीरियड मैं आमतौर पर भी कहा करती हूँ लोगों से अक्सर महफिलों में कहती हूँ देर आर थ्री मेन इन माई लाइफ तो लोग नॉर्मली क्या सोचते हैं वो थ्री मेन को कि एक मेरे हस्बैंड और दो मेरे सन्स देर आर थ्री मेन इन माई लाइफ दैट्स लाइफ वेन आई टॉक अबाउट माई प्रोफेशनल लाइफ देर आर थ्री मेन इन माई लाइफ वन इज हकीम साहब हकीम अब्दुल हमीद साहब जो हमदर्द के फाउंडर हैं आई वॉज ग्रेटली इम्प्रेस बाई हिम और मैंने उनके साथ भी काम किया है और हमने उनसे बहुत सारी चीजें सीखी हैं और फिर सेकेंड मैन वॉज जनाब सैयद हामिद साहब द uh, वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हु ऑफ फाउंडेशन और उनके साथ मैंने काम किया और उन्होंने हमें जो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव की पहचान होती है उन खूबियों से नवाजा एंड इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड जेंटलमैन थर्ड पर्सन तो वो यकीनन डॉक्टर पी इब्राहिम हाजी थे जिनके साथ मैंने सात साल काम करके वो ना सिर्फ ये कि एजुकेशन के उसूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कैसे चला, चलाया जाता है उसके उसूल बल्कि उन्होंने बिजनेस के बहुत सारे गुरु हमें सिखाए बेशुमार बिजनेस के गुरु उन्होंने सिखाए कि कैसे एक इंसान एक कामयाब बिजनेस बन सकता है उनका कहना था कि किसी भी बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए सबसे पहली चीज है कि आपका क्रीडेंशियल क्या आप लोगों को वो क्या सर्विसेज देते हैं या वो क्या प्रोडक्ट देते हैं जिससे लोगों का इतमाद आपके ऊपर बहाल होता है लोग आपके ऊपर एतबार करते हैं फिर आप चाहे उनको कोई भी चीज बेचें, चाहे आप उनको अपनी सर्विसेज दें, आप उनको अपना सामान दें लेकिन जब एक बार वो आपके ऊपर इतबार करना सीख लेते हैं तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि आप उनसे उनको अपनी सर्विसेज दे सकें तो ये जो एक इंसान को वो क्रेडेंशियल कैसे मिलती है वो क्रेडेंशियल ऐसे मिलती है कि जब हम अपने एक्सलेंस देते हैं लोगों को जब हम कोई ऑर्डनरी चीज लोगों को नहीं देते जब हम अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करते हैं तब हम वो इतमाद हासिल करते हैं ये ये उनका कहना था और हमेशा उनकी नजर एक एक मीटिंग में वो शरीक होते थे एक एक एक्टिविटी वो वो खुद देखते थे एक एक बच्चों से इंटरेक्ट करते थे बच्चों को नसीहतें करते थे किसी भी चेयरमैन को मैंने ऐसा नहीं देखा जो इतने ग्राउंड लेवल पे जाकर के यानी जो बच्चों की सतह पे जाकर के अपने इतने सारे स्कूल थे जिसमें हजारों बच्चे पढ़ते थे और हजारों बच्चों के साथ वो इंटरेक्ट करते थे उनसे बातें करते थे उनसे स्कूल के हालात मालूम करते थे उनसे ये जानने की कोशिश करते थे कि बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है स्कूल में इट वॉज रियली अमेजिंग लाइक कैसे वो कहाँ से इतना वक्त निकालते थे कहाँ से उनके अंदर इतना कैलिबर था कहाँ से अंदर उनके अंदर इतनी इस्तात आती थी खुदा ही बेहतर जानता है ये खुदा की तरफ से उनको दी हुई एक एक बहुत ही हम कहेंगे एक नियामत उनको अल्लाह ने दी थी जिसकी बिना पे वो इतना कुछ कर पाते थे अब मैं आखिर में क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे बहुत से और भी अफराद मौजूद हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है बहुत करीब से देखा है वो भी अपने ख्याल का इजहार करना चाहते हैं तो मैं आखिर में बस एक ही बात ये कहूँगी अब सबसे खास तौर से जो हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां यहाँ मौजूद हैं और जो हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं कि जब वो तकरीबन साठ साल पहले केरला से दुबई गए थे उस वक्त वो सिर्फ एक छोटा सा हाथ में ब्रीफकेस लेके गए थे जिसमें उनके पहनने के सिर्फ कपड़े थे और इसके अलावा कुछ नहीं था और एक डिप्लोमा की डिग्री थी और इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था आज जब वो इस दुनिया से गए हैं तो अब आप देख सकते हैं कि उन्होंने इस दुनिया के लिए क्या कुछ नहीं छोड़ा है ना सिर्फ ये कि दौलत के टर्म में बल्कि जो उन्होंने अपनी खिदमत एजुकेशनल फील्ड में दी है वो खिदमत एक सदक़ जारिया है उन्होंने कोत में स्कूल कायम किया उन्होंने शारजा में स्कूल कायम किया उन्होंने दुबई में स्कूल कायम किया उन्होंने अजमान में स्कूल कायम किया उन्होंने रासल ख़ैमा में कॉलेज कायम किया और स्कूल कायम किया उन्होंने अपने होम टाउन कैलीकट में स्कूल कायम किया उन्होंने मैंगलोर में कॉलेज और यूनिवर्सिटी कायम की ये सब क्या है ये सब उनके लिए सदक़ जारिया है जिसमें जहाँ से हजारों लाखों स्टूडेंट्स तालीम हासिल करेंगे उनके लिए दुआ मफफरत करेंगे उनके एहसानात को याद करेंगे और अल्लाह के यहाँ उनके दर्जात को बुलंद करने की दुआ करेंगे और यकीन अल्लाह ताला जनाब पी इब्राहिम हाजी जैसी शख्सियत को जन्नत में आला मकाम अता करेगा तो आइए हम सब मिलकर उनके लिए दुआ दौा करें दुआ मफफरत करें कि अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए जन्नत फ्फरदस में आला मकाम अता फरमाए अल्लाह उनके कब्र में कुदगी अ करे अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे उन्होंने जो खिदमत की हैं बेलौज़ खिदमत अल्लाह ताला उन खिदमत को कबूल करे और अल्लाह ताला उनके जो अहल ख़ाना हैं उनके घर के अफराद हैं अल्लाह ताला उनके बीवी बच्चों को सब्र जमील अता करे इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ और एक बार मैं फिर आप सबके सामने ये इजहार करना चाहती हूँ कि आज यक़ीन ऐसा लग रहा है कि मैंने एक चेयरमैन को नहीं बल्कि एक बहुत ही अपने अजीज बड़े भाई या अपने वालिद के जैसे शख्सियत को खोया है यकीनन ये एक ऐसा नुकसान है जो न सिर्फ एक फर्द के लिए बल्कि ये पूरी उम्मत के लिए एक नुकसान है तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका असलकम वरम्ल वर्क अब मैं जोना मैम से गुजारिश करूंगी कि जोना मैम अपने ख्याल का इजहार करें Assalamu alaikum, everybody. Wa alaikum Right. Yes, Zona, go ahead. Yeah, so P.A. Ibrahim, sir. P.A. Ibrahim, sir, he is a jack of many trades, a man of many hats, a gentleman, a person full of heart. His story of growth, his beginning wasn't a bed of roses at all. He is a pillar to many and a man of his word. A generous philanthropist. I have been blessed to work for Sir since past eight years, and the ethos he created for his staff is a very friendly, generous, a humble one. He includes people of all faiths and uh, treats everyone equally. I was lucky enough to receive three awards from Sir's hand, which I will hold. Uh, so dear and near to me in my heart. Now I think it has more meaning and more. Uh, I would treasure it even more because it would be like carrying his thought, his lessons along with me throughout my lifelong. Well, one uh, two awards I received when I was in IIS when I was working with Dr. Halima Sadia as well. And then one I received from Pace International School, again, one of the Abrams uh, schools, which I'm really honored and blessed to be a part of. And heartfelt and uh, unforgettable moments with him. His smile as, is as genuine as a newborn. May Allah Almighty bless him with the highest ranks in Jannah. And may he benefit from all of our du'as, definitely. Definitely is going to go towards him and it's going to lift him even more. What do we carry? What do we carry with us when life ends? His Janaza prayers held in Kerala had men of faith walking in as waves of ocean, which is witness for his kind heart. Nobody asked them to come. They chose to be there and share their love, to share, pay respect. May Allah Almighty heal the family of the pain. It's definitely impossible to fill in his shoes. Ibrahim sir, we are forever grateful to all your goodness. And many of the teachers who I messaged today, they about this, they have mentioned, Zvina you are very lucky uh, to be having to interact with him and have, to have such a long time under sir. Yes, it is very few in the sense it's i'm not interacting him with, every day with him every day but whenever he comes he comes to the school and addresses the teachers he always shares his knowledge and wisdom with all of us which is which we hold on very nearly and dearly ibrahim sir we are forever grateful to all your goodness jazakallah khair assalamu वालेकुम असलम जोएना थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर शेयरिंग योर फीलिंग्स थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स योर आइडियाज़ एंड ऑफ कोर्स ईच एंड एवरी टीचर ऑफ द स्कूल फील्स सेम एज़ यू आर फीलिंग टुडे हम सब भी बहुत गमगीन हैं बहुत उदास है और लगता ही नहीं है मुझे तो लगता है कि अभी भी मैं दुबई जाऊंगी तो वो मुझे जरूर मिलेंगे और वो जरूर वेलकम करेंगे खास तौर से जब कभी भी कोई प्रोग्राम्स होता था कोई फंक्शंस होता था तो हमेशा मैं ये देखती थी कि वो हमेशा अपने अपने स्टाफ की तारीफ करते थे सारा क्रेडिट अपने स्टाफ को देते थे और हमेशा उनकी हौसला अफजाई करते थे किसी भी चेयरमैन को मैंने इतना जेनरस नहीं देखा जो इतनी जेनरसली तारीफ करते हों लोगों की हौसला अफजाई करते हों यहाँ पे हमारे साथ रिजवाना खान भी मौजूद है रिजवाना मैं आपसे चाहूंगी कि आप अपने जज्ज्बात का यहाँ पे इजहार करें जनाब इब्राहिम हाजी साहब के साथ रिजवाना ने भी उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है तो रिजवाना ओवर टू यू प्लीज अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम बस अल्फाज में किन अल्फाजों में अपने दुख को कहा जाए कुछ बस कह नहीं सकते बट हाँ <laughs> बस ऐसा फील होता है कि ऐसे बहुत क्या कहूँ मैं ऐसा उनके लिए कि बस बहुत ऐसा लगता है कि हाँ हमारे एक ऐसे रहनुमा मतलब एक प्राउड फील होता है होता है हमें कि हाँ हम पेज ग्रुप में वर्क कर रहे हैं तेज ग्रुप का एक हिस्सा है और उन्होंने मेरे साथ भी उनका पर्सनली इंटरेक्शन हो चुका है कई बार वो बहुत अप्रीशियट करते थे हमें और हमारी टीम को बहुत अच्छा लगता था और मैंने जैसे कि अभी मैम ने कहा कि इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी हर एक बंदे से इंटरेक्ट होना हर एक बंदे से पर्सनली मिलना हालांकि उनको याद नहीं रहेगा कि कौन है क्या है बट फिर भी वो जब हमारा इंट्रोडक्शन हमारी मैम या प्रिंसिपल मैम या कोई भी जब कराता था कि ये ये टीचर है तो वो जरूर हमसे हम रुक करके हमसे बात जरूर करते थे एक दो सवाल जरूर पूछते थे खैरियत जरूर जानना चाहते थे ये इतने बड़े इंसान मतलब जहाँ लोग शायद उनको देखने को तरसते थे वो जब हमारे सामने होते तो थे तो हमें लगता था कि हाँ हम किसी ऐसी हस्ती के सामने हैं उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ किया और बहुत मोटिवेशन मिलता था उन्हें देख कर उन्होंने हमेशा हमेशा हर कामयाबी का श्रेय क्रेडिट सब अपने स्टाफ को दिया हम लोगों को दिया और हमेशा ही हम लोगों को कोई ना कोई टारगेट कोई ना कोई मोटिवेशन देते थे हमेशा हम उनके आने का हमेशा ही इंतजार करते थे कि इस बार हमें सर क्या मोटिवेशन दे के जाएंगे क्या नई राह दिखा के जाएंगे हमेशा उन्होंने हमें बहुत 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 अप्रिशिएट किया बहुत मोटिवेट किया बस नहीं है मेरे और इस आ, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी आपने अपने ख्याल का भी इजहार किया उनके बारे में तो मुझे भी याद आया कि जब आपने कहा कि वो हमेशा कुछ ना कुछ टास्क देके जाते थे हमेशा कोई ना कोई चैलेंज देके जाते थे तो मुझे याद आया की जब कभी भी वो बच्चों को एड्रेस करते थे जब बच्चों को खिताब करते थे तो हमेशा के बीच में वो बच्चों से कुछ सवाल पूछते और अगर कोई बच्चा जवाब दे देता वही के वहीं तो फौरन ही वो अपने जेब से जितना भी दिरहम उनके पास होता कभी सौ दिरहम कभी दो सौ द्रह तो वो फौरन ही उस बच्चे को बुला के उसे वो इनाम दिया करते थे ये एक ऐसी खूबी उनके अंदर थी एक ऐसी खूबी थी जो उनको बिल्कुल मुमताज़ बनाती है जो उनको, उनको उनको अलग करती है कि वो हर फंक्शन में कुछ ना कुछ सवालत और उनके सवाल हमेशा बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़पेपर में जो चीज़ आई हुई होती थी जो करंट अफेयर्स की चीजें उससे उनके सवाल होते थे तो वो खुद भी न्यूज़ पेपर पढ़ते थे और चाहते थे कि हर बच्चा उनके इदारों का न्यूज़ पेपर जरूर पढ़े वो ताकि वो अपने को अपडेट रखे ताकि वो ज़माने के साथ साथ चले और इस वजह से वो हमेशा बच्चों को भरपूर जितनी भी उनको शाबाशी देनी चाहिए उतनी शाबाशी वो देते थे देखिए अभी वहाँ स्कूल ने हर साल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं और हर साल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में वो खुद साथ साथ शामिल रहते हैं वो खुद साथ साथ उसमें जहां भी ये कार्यक्रम चल रहा होता है ये प्रोग्राम चल रहा होता है जहाँ पे ये चीजें हो रही होती हैं वहाँ हम देखते हैं कि हाजी साहब खुद मौजूद होते हैं खुद हिस्सा लेते हैं और खुद हर चीज में बढ़ चढ़ के आगे बढ़ते हैं तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगी कि आइए हम सब उनके लिए दुआ करें और हमारे साथ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि शिफाना साहबा भी अपने ख्याल का इजहार कर रही हैं Uh, समीरा हमज़ा भी हैं वो भी uh, फरमा रही हैं हिस पर्सनैलिटी हैज कैप्चर्ड मेनी हार्ट्स ही विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड एंड शिफाना कह रही हैं एन अमेजिंग पर्सनैलिटी और रनी कह रही हैं मे हिज सोल रेस्ट इन पीस थैंक यू वेरी मच जी आप सबके ख्याल का आप सबके जज्बात का बहुत बहुत एहतराम करते हुए uh, मैं यहाँ देख रही हूँ कि हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जी आप कुछ फरमाना चाहते हैं रेडमी के नाम से जो साहब यहाँ मौजूद है प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए जी फरमाइए जी आप कुछ कहना चाहते हैं मैं आयशा सुल्ताना मैम से रिक्वेस्ट करूंगी आयशा सुल्ताना मैम असलकम वरि वरक वालेकुम अस्सलाम दे से दैट यू नो द बेस्ट लीडर इज द हंबल लीडर एंड आर चेयरमैन फिट इन टू इट वेरी वेल ही लेड टू सर्व द ह्यूमैनिटी एंड ही वाज अ रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ इज़

अच्छी तरह से वाकिफ नहीं है उनके कारनामों से तो इस वजह से मैंने ये मुनासिब समझा कि उनके कारनामों को कम से कम बयान किया जाए पेश किया जाए लोगों के सामने ये वो कारनामे आए ताकि हमारे बच्चे भी और हम सब भी उनसे ये नसीहत हासिल करें कि एक इंसान का दुनिया में आला मकाम हासिल कर लेना ही सब कुछ नहीं है बस बल्कि उस आला मकाम पे पहुंचने के बाद अपने वैल्यूज़ को बरकरार रखना वो वो जैसा कि आप सब देख सकते हैं फोटोग्राफ में जो मैंने अपने सामने यहाँ लगाया है कि वो हमेशा टोपी पहन के और हमेशा उनकी दाढ़ी रही उन्होंने सुन्नत पे अमल किया तो यही उनका था कि वो दाढ़ी और टोपी के साथ हमेशा रहते थे एक बार किसी बात पे कुछ हम की मीटिंग में बातें हो रही थी तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि देखें एक इंसान की पहचान उसके कपड़े से या उसके हुए से या उसके दाढ़ी टोपी से नहीं बल्कि उसके किरदार से होती है तो आप अपने हमारे बच्चों को जो हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं आपका ये फर्ज है कि आप ये कोशिश करें कि हम उन्हें एक आला किरदार दे सकें उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर्स की भी जो मीटिंग होती है जो पार्टीज होती थी बसाओकत उन्हें बुलाया जाता था क्योंकि वो दुबई में जितने भी इंडिया के अमीर तरीन लोग हैं उसमें उनका शुमार होता था बड़े बिजनेसमैन में तो इस बिना पे जब कोई भी इंडिया से बड़े लोग वहां जाते थे दुबई तो उनके शान में जो उनके एजाज में प्रोग्राम्स होते थे तो उसमें जनाब हाजी इब्राहिम साहब को ज़रूर दावत दी जाती थी तो वो हमेशा जहाँ भी जाते थे वो इसी तरह जाते थे क्योंकि एक इंसान का किरदार ही उसके लिए खुद एतमादी की दलील होता है एक इंसान का किरदार उसके अंदर वो वो अतमाद देता है कि वो किसी भी महफिल में किसी भी जगह किसी भी आ, मकाम पे उसे भेज दीजिए वो हमेशा अपने असूलों के साथ जीता है और अपने पे ही कायम रहता है तो हाजी इब्राहिम साहब की शख्सियत एक बहुत ही मजबूत और मुस्तकम शख्सियत थी और वो अपने असूलों पर रहते हुए अपने ईमान को बरकरार रखते हुए उन्होंने फलाह अम्मा के काम किए उनकी मकबूलियत की जो असल वजह है वो उनके फलाह अम्मा के काम है जो उन्होंने सोशल वेलफेयर के काम किए हैं जो उन्होंने समाज की बेहतरी के लिए काम किए हैं तो अब मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप सबसे गुजारिश करूंगी के आइए हम सब दुआ के लिए हाथ उठाएं और अगर यहाँ जो भी हमारे साथ मौजूद हैं अफराद इनमें से कोई उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम आप हमें बताएं ताकि आप अपने ख्यालात का यहाँ इजहार कर सकें तो मैं अब आकिब साहब से गुजारिश करूंगी कि आकिब साहब आप दुआईया कलेमात से हम सबको नवाज़ें और आइए हम सब मिलकर दुआई माखफिरत करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैह मुहम्मदीन नबील अमीय वाला आलीही वसल्लिम तस्सा। हाँ अनम्यूट कर लीजिए आकिब साहब अनम्यूट कर लीजिए खुद को

प्लीज फिर से दुआ कर लीजिए अच्छी तरह से आकिब सर इज आ आकिब सर प्लीज अनम्यूट uh, योर और अब कोई बच्चा शोर नहीं करेगा बहुत ध्यान से दुआ सुनिए क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस uh, पूरे इसका जलसे का क्योंकि हम सब मिल करके दिल से अल्लाह से दुआ करेंगे कि ताला हमारे की उनको अता करे तो, तो आकिब साहब अभी दुआ कर रहे हैं हम सबको साथ में मिल के आमीन कहना है आमीं। 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 آمين. وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا رب اغفر وانت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا شاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا اللهم اغفر لنا ولابائنا ولامهاتنا ولاصدقائنا ولجميع المسلمين والمسلمات या इन्हमीन या रहमान या रहीम या मालिकल मल्क या अदल जलालीकराम या हन्नान या मन्नान या बदियार्द ए हमारे प्यारे रब ए हमारे प्यारे परवरदिगार हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा ए हम गुनागार हैं ख़ाकार हैं सियाकार हैं तेरे नाफरमान बंदे हैं लेकिन तेरे बंदे हैं तेरे महताज हैं तुझी से उम्मीद रखते हैं ए अल्लाह आप हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा या अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा दुनिया और आखिरत की कामयाबियां कामरानियां बुलंदियां इज्जत अजमत रिफात नसीब फरमा ए अल्लाह हमें वो जिंदगी अता फरमा जिससे तू राजी हो ए अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला दायमा नसीब फरमा जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं जो हमारे अजीज गए हैं उनकी मफफरत फरमा खा डॉक्टर पीए इब्राहिम हाजी साहब की मफ़रत फरमा अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अदा फरमा की तो नूर से मनवर फरमा उनकी सयात को हसनात से बदल दे यामी उनकी तमाम नेकियों को कबूल फरमा उनके लगाए हुए गुलशनों को आबाद फरमा उनके लगाए हुए इल्मी दरख्तों को तनावर दख्त बना दरख्त बना अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपने हबीब मोहम्मद वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तोफ़ी अता फरमा अल्लाह आपस में इतहादाक पैदा फरमा अल्लाह हमें दुश्मन दुश्मनों के शरू से और शरीरों के शर से हमें नजात अता फरमा ए अल्लाह उनसे हमारी हिफाजत फरमा ए अल्लाह हमारी इस दुआ को महज अपने फजल व करम से कबूल फरमा वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्कहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन आमीन सुमा आमीन आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया और हमें उम्मीद है कि डॉक्टर पी इब्राहिम हाजी साहब की शान में हमने जो बातें कही हैं वो हमारे बच्चों के लिए ख़ास तौर से हमारी नई नस्ल के लिए ख़ास तौर से एक मश राह होंगी और मैं यही दरख्वास्त करूँगी कि आप सब भी अपने बच्चों को यही तालीम दें कि कल जब हमारी बारी होगी और जब हम दुनिया से जाएंगे तो हमारे लिए कौन रोएगा हमारे लिए कौन दुआ करेगा हमारे लिए कौन दुआए मगफिरत करेगा हमारे लिए कौन जारिया होगा क्या हमने कभी ये सोचा है आज हाजी इब्राहिम के लिए न सिर्फ ये कि उनकी अपनी औलाद उनके अपने बेटे बेटियां बल्कि वो तमाम अफराद जो उनके इधारों में काम कर रहे हैं या उनके इधारों में तालीम हासिल कर रहे हैं उनसे फैजियाब हो रहे हैं जिनकी तादाद लाख में है वो सब उनके लिए दुआ हैं और यकीनन अल्लाह इतनी तमाम दुआओं को जिसमें कि मासूम बच्चे भी शामिल हैं उनकी दुआओं को कभी रायगा नहीं करेगा और अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाएगा इंशाल्लाह आमीन हम सब क्या कर रहे हैं हमारे लिए कौन दुआ करेगा हमारे लिए कौन सदका जारिया साबित होगा हमारे लिए कौन मगफिरत के लिए की गुजारिश करेगा हमारी मकफरत कैसे होगी हम कैसे कब्र के अजाब से बचेंगे हम कैसे जहनम के अजाब से बचेंगे ये हम सबको सोचने के लिए सोचने का एक मकाम है जब भी कोई दुनिया से इंसान जाता है तो वो हम सबको यही पैगाम दे के जाता है कि चाहे हम जितने भी ताकतवर हों चाहे हम जितने भी मालदार हों चाहे हम जितने भी कामयाब हों एक दिन ऐसा आएगा जब हम मोहताज होंगे किस चीज के मोहताज होंगे दुआओं के मोहताज होंगे आज जब एक इंसान दुनिया से चला जाता है उसका रिश्ता खत्म हो जाता है तो वो अमल नहीं कर सकता वो नमाज नहीं पढ़ सकता वो रोजे नहीं रख सकता वो सदका खैरात नहीं कर सकता तो फिर उसके सवाब में इजाफा कैसे हो उसके गुनाहों की तलाफी कैसे हो उसका एक ही जरिया है और वो जरिया है कि जब लोग उसके लिए दुआएं करेंगे उनकी औलाद दुआ करेगी उनके रिश्तेदार दुआ करेंगे उनके जानने वाले अहबाब दुआ करेंगे उनसे फायदा उठाए हुए लोग दुआ करेंगे जिनके लिए उन्होंने भला किया होगा वो उनके लिए दुआ करेंगे तो अब वो हमारी दुआओं के मोहताज हो जाते हैं जितनी दुआएं की जाएंगी उतनी ही अल्लाह तला के यहाँ दर्जा बुलंद होंगे हदीसों में आता है कि बंदे को कब्र में फरहत महसूस होती है यानी उसे बहुत ही सुकून मिलता है उसे बहुत ही उसके पास आती हैं तो वो पूछता है कि अल्लाह ये क्या है ऐसा आखिर ये तब्दीली आज ऐसी क्यों हुई है तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि ये इस वजह से है क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारे लिए दुआ की है तुम्हारी मकफरत की दुआ की है तो जब यहाँ हम दुआ करते हैं वो बरह रास्त अल्लाह के यहाँ पहुंचती है और बरह रास्त अल्लाह उस दुआ के तुफेल से आ, उन कब्र में आसानियां पैदा करता है जन्नत में दर्जात बुलंद करता है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम दुनिया में ऐसे काम करके जाएं कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमारे लिए दुआएं करें जैसे कि जनाब हाजी इब्राहिम साहब ने किया उन्होंने ऐसे कारनामे किए उन्होंने इदारे कायम किए उन्होंने स्कूल कायम किए कॉलेजेस कायम किए और सब सिर्फ और सिर्फ ख़दमत की नीयत से क़ायम किए अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल करे अभी हमारे साथ यहाँ बीमा बीवी भी, भी, भी हैं बीमा बीवी वुड यू लाइक टू से फ्यू थिंग्स बीमा बीवी वुड यू लाइक टू से समथिंग यस मैम एवरीवन मैं उधर इंडिया इंटरनेशनल स्कूल शारजा में दस साल से काम कर रहे अपना अंडर uh, पी इब्राहिम हाजी साहब से स्कूल में काम कर रहे दस साल से so uh, yeah, i don't know what to say now but very sad news for us now uh, still we we are not able to say what we say that much we are feeling i can understand you know because you were directly uh, yes. working with them recently when you people made uh, the Guinness World Record, like it was in the beginning yes. of December. Yeah, I remember. He was very active yes. because I could see him through social media and through uh, the photographs and videos and other things. He was very very active. And yes. Let's all okay. pray for him. Okay. Uh, aap kuch kehna chahenge, Bima Bibi, aapke saath मेरे हस्बैंड ने साथ उसको ये भाई हाजी साहब ने था। uh. चेयरमैन ने कुर्सी पर बैठन और एक बार और सरिया कैसा आपको हाजी इब्राहिम साहब के साथ आपने काम किया है यू हैव वर्क्ड विद हिम सो यू मस्ट बी फीलिंग फॉर हिम राइट नाउ व्हेन ही पास्ड अवे एंड ही हैज answered द कॉल ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी i think he is not able to understand hindi is it? bima baby, you tell him in malayalam so that he can yes uh, bima bimi you can speak on, her, on his behalf no no issues if he is not you can tell us what he is feeling and what he is saying. Nasreen Bano, ma'am, you are here. Will you please tell us uh, that? Uh, do you want to say something about uh, Haji P. Ibrahim? Nasreen, madam. Uh, hello, good. Uh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, i was uh, i had been introduced to haji sahab just today where are you but i was aware of that he was uh, he was running some institutions but i never knew about his personality may allah bless him. he was definitely a person who is among the chosen ones. and uh, he has left a legacy behind us and all of us. it's now it's the duty of all of us to see that we carry out that and make our uh, glorious ummah proud and uh, get back our glories which such people have are leading here. so such leaders are hard to find. and he was definitely a chosen um, human being by allah subhanahu wa ta'ala that's how you know it is not in the hands of a human being to do so many things and being so humble on the earth his humility being humble and extraordinary talents and characters are the main reasons for where he has reached, and may Allah help us all to follow the, such good traits from these personalities and make us great one day. And people, and as you were telling, definitely one day people should pray for us also. And may Allah grant him highest place in Jannah. Ameen. Uh, Amin, Ameen. And uh, Jazakillah Khair Nasreen Sahiba. Baut, baut shukriya aapka. तो अब हम आज की ये जो ताज़ियती मजलिस है इसको यही ख़त्म करते हैं और आप सब से एक बार फिर दुआ की दरखास्त है और आप सब से यही दरखास्त है कि आप जनाब हाजी इब्राहिम साहब के लिए मफ़रत की दुआ करें अल्लाह ताला उनको करवट करवट जना नसीब करे और उनके अहिल खाना को सब्र जमील अता करे और आप सब यहाँ तशरीफ़ लाए मैं आप सब तह दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और हमारे साथ यहाँ पे कुछ टीचर्स भी मौजूद हैं अगर वो टीचर्स कुछ इजार ख्याल करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं और क्योंकि किसी भी बड़े इंसान के का दुनिया से चले जाना एक हादसा एक फैमिली के लिए नहीं होता है बल्कि पूरी कौम के लिए होता है पूरी उम्मत के लिए होता है पूरे मुल्क के लिए होता है पूरी दुनिया के लिए होता है तो जैसा कि हाजी इब्राहिम साहब हमारे दरमियान नहीं रहे लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे कहते हैं कि सिर्फ जिस्म की मौत से कुछ नहीं होता है जिस्म की मौत और सिर्फ जिस्म की मौत है इंसान हमारे दिलों में दिमाग में जहन में हमेशा जिंदा रहता है हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहता है तो जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है जिस्म मर जाने से इंसान नहीं मर जाते ये तो दुनियावी मौत है जिसे हम जिस्म की मौत कहते हैं इंसान के ख्यालात उसके कारनामे उसके उसने जो आमाल किए हैं उसने जो सोच दुनिया को दी है उसने जो दुनिया में तब्दीलियाँ लाई हैं जो इनकलाब लाया है वो हमेशा हमेशा जिंदा रहता है मैं आप सबका एक बार फिर शुक्रिया करती हूँ अदा करती हूँ और इन्हीं बातों के साथ आज की ये महफिल यहीं खत्म होती है थैंक यू वेरी मच एवरी वन मेंस हाजी इब्राहिम में अल्लाह ब्लेस हाजी इब्राहिमी एंड मेंस और अल्लाह तलाको